देखा, मजहब को नहीं देखा। आपका अपना पड़ोसी भूखा है तो ये मजहब आप ना देखिए, उसकी मदद कीजिए। सबसे बड़ी नमूना अमल मोहसिन इंसानियत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी फैमिली और अपने देश के लिए बहुत बड़ा मैसेज छोड़ा, हमारे एजुकेशन यूथ के लिए और हमारे यंग यूथ के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अपने इस्लाम में दिए और अपने इंडिया का नाम रोशन करें, हर स्टेट, हर कंट्री, हर गली। हम लोग चंदा नहीं करते, जितना हमारे हैसियत के हिसाब से हम लोग कर लेते हैं, हम लोग सारे लड़के मिल के किसी से मांगते नहीं। हेलो दोस्तों, मैं उन्नाव आया हुआ था किसी काम से, तो मैंने देखा यहाँ चारों तरफ गलियाँ सज रही हैं, काफ़ी अच्छी खूबसूरत खूबसूरत, और यहाँ मुसलमानों के एक फेस्टिवल है, कभी हमने अपने इधर तो देखा नहीं ये सब। तो मैं सब ये जानना चाहता था ये है क्या चीज़, क्योंकि हमने कभी अपने यहाँ देखा नहीं, ना कभी अपने यहाँ सुना। कि हम जब तक किसी को जानेंगे नहीं तो जब तक क्या मानेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो इसलिए जानने के लिए, मैं उनके लोगों की राय लेने के लिए थोड़ा सा निकल गया। आखिर इतनी अच्छी खूबसूरत गलियाँ क्यों सज रही हैं, आखिर क्या रीज़न है। चलो देखते हैं आगे, लोगों की राय लेते हैं कहीं पर रुक के, कि आखिर ये क्यों बनाया जाता है। काफ़ी सफाई भी लग रही है आज उन्नाव के अंदर। चलो देखते हैं, लोगों से बात करते हैं। एजाज भाई, ये माशाल्लाह पूरे उन्नाव में काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये। जी जी जी। तो ये किस लिए बनाया जाता है थोड़ा सा? ये आज हमारे आका व मौला सरकार हुजूर रहमत आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत व शहादत है। आज जश्न ईद मिलादुन नबी, आज की रात हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे, उन्हीं की आमद की खुशी में हम सुन्नी मुसलमान ये चरागाह करते हैं। सबसे थोड़ा सा त्यौहार हम लोग का यही है। यहाँ सारे तरफ लाइटिंग वगैरह लग रही हैं, झंडे लग रहे हैं, तो कोई नहीं कोई नहीं, जब भी तो साउंड सुननी है। ये क्या होता है, इसकी किस लिए है? ये एक ऐसे ही है, मतलब एक म्यूजिक टाइप का फव्वारा ववारा देना इसे। एक मिनट रखो, अब बताइए इसको ये क्या चीज़ है? ये जो है इसके अंदर मोटर है। अच्छे, ये फव्वारा है, समझ लो एक टाइप का, और कुछ नहीं। अच्छे, और ये क्या चीज़ है? ये हमारा मदीना शरीफ है। मदीना शरीफ है, ये तो सभी जानते हैं। हाँ, ये जो आजकल हमारा काबा शरीफ का पूरा नक्शा उतार दिया, ये आदमी छोटे छोटे दिख रहे हैं जो टेम्पल, वो समझ लो आदमी टाइप के खड़े हुए हैं, जियारत कर रहे हैं। ये जो छोटे छोटे वाले खड़े हैं आपके, ये वाले, ये कैसे बनाए आपने भाई? ये माचिस की तीली से, माचिस की तीली से बनाई। और तो भैया एक चीज़ बताइए, इसका जो पूरा खर्चा हुआ है लाइटिंग वगैरह का, ये सब होता है, हम रास्ते में भी देखे जी, तो ये सब कौन खर्चा करता है सब मिलकर? बहुत लोग होते हैं भाई, चंदा करते हैं, हम लोग चंदा नहीं करते, जितना हमारे हैसियत के हिसाब से हम लोग कर लेते हैं, हम लोग सारे लड़के मिलके किसी से मांगते नहीं हैं। जी, क्या नाम बताया था आपने भैया? समीर। समीर भाई ने पूरा खर्चा करा है, ये बनाया माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। दोस्त भाइयों, ये किस लिए बनाया जा रहा है, आज क्या दिन है? आज हुजूर की याद में हमारी हुजूर की पैदाइश हुई थी आज के दिन, इस वजह से हम रोशनी मनाते हैं, बहुत ही धूमधाम से हम मनाते हैं हर साल की तरह इस साल भी, क्योंकि इस साल बहुत ही ज़्यादा हम लोग ने बड़ा काम किया है। आप देख रहे हैं इस गेट को हम लोग ने बनवाया है, इसमें बहुत खर्चा आया है, इन लोगों का साथ, इन लोगों के सपोर्ट से हम लोगों ने ये सब बनवाया है। तो भैया आप इसे क्या दिन, क्या रोज से तैयार कर रहे हो इसको? मैं इसको 12 तारीख से काम चल रहा है, अब जाकर ये काम मुकम्मल हुआ है। अच्छा, तो ये पूरा उन्नाव शहर सजाया गया माशाल्लाह, हमको भी बहुत अच्छा लगा ये। और कमेटी के जो भी 10-15 लोग जो भी हैं, 10 लोग करीब समथिंग हैं, तो वो लोग आपस में मिल के ये सब करते हैं, और बहुत भाईचारा है आपस में, यहाँ से सब आपस में मिलजुल के काम करते हैं। अच्छा, तो इसमें आज रोज़ा वगैरह भी रखते हो आप इसमें कुछ? जी, जिसको जितना इल्म है, इल्म के मुताबिक अपने वो काम करता है। वैसे लोग अपने अपने घरों में, हम लोगों ने ये तो कमेटी ने ये जो भी रोशनी का एहतमाम किया है ये हो गई है, बाकी घर की औरतें अपने अपने घरों में मिलादे और नाते मुस्तफ़ा सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करके इस रात को खुशी मनाती हैं। तो आप कुछ मैसेज भी देना चाहोगे लोगों के लिए, आज के लिए दिन क्या करना चाहिए, गुनाहों से तौबा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? ये मुबारक महीना है, हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस मुबारक महीने में तशरीफ़ लाए हैं, इस माह की बरकत से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सत्य और तवस्सुल, तमाम मुसलमान आलम को ये चाहिए कि हुजूर की आमद की खुशी में अपने घर में चरागाह करें, अपने घर को रोशन और मुनव्वर करें, और तमाम बात तो ये है कि उन्हीं का जिक्र, उन्हीं की महफिलें सजाएं, और इस महीने की वसीले से और हुजूर की वसीले से दुआएं मांगें। भैया आप क्या काम करते हो?
भाई मेरा, मैं तो पैथोलॉजी में जॉब करता हूँ, अकाउंटेंट हूँ। अच्छा, लैब वगैरह जो ये टेस्टिंग ब्लड वगैरह की होती है, टेस्टिंग रिपोर्ट वगैरह बनती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप कोई डिप्लोमा वगैरह भी कर रहे हैं? हाँ, बी फार्मा चल रहा है हमारा, लास्ट ईयर है। बी फार्मा कर रहे हैं, कोई ऐसे ही हुनर नहीं है, बस अपनी खुशी के लिए कर लिया। अच्छा, इसमें आपको कितना खर्चा आ गया भैया अंदाजा? भाई बता नहीं सकते भाई, इसे क्या बता दें। अच्छा, कुछ हमारे सामान हमारे पास रखा था, थोड़ा बहुत हम खर्चा तो जो डेकोरेशन में हुआ वही हुआ, और कुछ नहीं। तो ये जो आज लग रहा है, ये आज कंटिन्यू जब तक लग रहेगा या अभी हट जाएगा सुबह को? ये बस आज भर का ही है बस। अच्छा, कल आ जाएगा ये। भैया चले जाओ, पानी ठंडा आ रहा है। तो इसमें अपना कूलर वाली मोटर डाल ली है? कूलर वाली मोटर बड़ी है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है भैया। अच्छे भैया, जानते ही आपके क्या नाम भाई आपका? मोहम्मद मिनास। मोहम्मद मिनास, ठीक है भाई। छोटे भाई, आप दोनों भाई ने मिलके कराए, चलो बढ़िया लगा भैया आपसे मिलके। ये बताइए, जैसे जो आज के बल मुस्लिम कम्युनिटी में लोग शराब ज़्यादा पी रहे हैं या चोरी चकाटी कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ होना है? देखिए, हमारे इस्लाम में शराब नाम तो कहीं है ही नहीं, मतलब हमारे इस्लाम में हराम दिया गया है शराब को। तो मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि ये शराब पीना मतलब तो सुन्नियत के ख़िलाफ़ है, ये सुन्नी मतलब हो ही नहीं सकते। अच्छा, तो ये आज किस लिए बनाया जा रहा है वैसे? आज इस वजह से बनाया है कि हमारे हुजूर की आमद की खुशी में सब बनवाया जा रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा हमारी मेहनत लगी, हमारी अंजुमन गुलाम रसूल कमेटी के जानिब से हम सब ने इस काम को सर अंजाम दिया है, और इस तरह हमारे हुजूर की आमद की खुशी मनाई जाती है। तो जैसे आज के टाइम में युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हो एजुकेशन और देश के बारे में भी? मैं एजुकेशन देना चाहता हूँ कि साल पूरे साल आप पढ़ाई करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप कोई बिजनेस संभालते हैं, तो साल में एक बार आप कुछ ना कुछ तो ऐसा कर सकते हैं कि अपने हुजूर की आमद में अपने इस्लाम के लिए ये सब तो आप कर ही सकते हैं साल में एक बार। तो जैसे आज के बच्चे टाइम में पढ़ नहीं रहे हैं, कम्युनिटी भी हमारे पीछे हो रही है मुस्लिम धर्म में, उनको तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि बिजनेस और जॉब इन सब में पहले तो एजुकेशन मतलब एजुकेशन ली जाती है। ठीक, अगर आप साल से फर्स्ट क्लास से अगर 12th क्लास के बाद आप ग्रेजुएशन करेंगे तो इसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो इसको इसके बाद ही आपको जॉब मिलेगी। तो शुरुआत से आपको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। इस वजह से हमारी कम्युनिटी, हमारी कंट्री बहुत पीछे, इस वजह से क्योंकि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो अपने अलाउ नहीं कर सकती। जैसे कि देखिए, आप APJ अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम, ये भी एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्होंने भी अपने मतलब अपनी फैमिली और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अपने फैमिली को सपोर्ट किया, और खुद को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और अपनी फैमिली और अपने देश के लिए बहुत बड़ा मैसेज छोड़ा हमारे एजुकेशन यूथ के लिए और हमारे यंग यूथ के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अपने इस्लाम में दिए और अपने इंडिया का नाम रोशन करें, हर स्टेट, हर कंट्री, हर गली। तो इसमें देश के लिए भी कुछ दुआ वगैरह मांगते हो आप कुछ? जी बिल्कुल मांगते हैं। भाईचारा बने, देश शख्सियत हुजूर की ज़ात अक़दस एक नमूने अमल है, हुजूर ने सब कुछ ही बता दिया है। अब वो अपना हो या गैर हो, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़ात को नहीं देखा, मज़हब को नहीं देखा। आपका अपना पड़ोसी भूखा है तो ये मज़हब आप ना देखो, उसकी मदद कीजिए। सबसे बड़ी नमूना अमल मोहसिन इंसानियत हुजूर सरवरे आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमको ये पैगाम दिया। तो इसमें बहुत अच्छी बात लगी भाई साहब आपकी, देश में एकता की आपने बहुत अच्छी बात कही। तो भाई साहब आपने भी इसमें क्या मेहनत की है, आपने कब से लग रहे हो आप, कई दिन में तैयार हुआ है ये? आज हम 2-3 दिन से लगे हुए हैं इसमें। अच्छा अच्छा, और मेहनत करके हम जो है। तो इसमें सबको शामिल किया जाएगा? सबको शामिल, पूरे देश के लोग जो 9 जिले के हैं वो सब आपके इसमें शामिल होंगे। तो ये कई दिन तक लगा रहेगा भैया? ऐसी झालरें पूरे यहाँ उन्नाव में सजी पड़ी हैं, तो ये दो चार रोज करीब लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसी फुहारा वगैरह 3 दिन तक चलता रहे? सुबह हटा दिया जाएगा क्योंकि जगह की किल्लत की वजह से ये दिक्कत होती है। अच्छा, तो ये सफाई वगैरह सब यहाँ पार्षद वगैरह करवाते हैं या खुद करवाते हैं आपकी कमेटी? करवाया जाता है सब, यहाँ कमेटी है और हर चीज़ का देखभाल केयर करते हैं मोहल्ले के लोग मिल करके। अच्छा अच्छा, इंतजाम तैयार करते हैं। चलो जी, बहुत बहुत बढ़िया वो दिया आपने। जो लोग एक दिन के लिए दिखावा करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उनके लिए क्या मैसेज दोगे आप? उनको लिए ये है कि हुजूर की सीरत मुबारक पढ़ें और हुजूर की सीरत मुबारक पढ़ के उस पर अमल करें कि जिस तरह से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें पैगाम दिया, हमें सुन्नतों की सलाहियत तरीक़े बताए हैं, उन पर चलें और नमाज की पाबंदी करें। एक चीज़ और बताइए, जैसे मुसलमान बच्चे आजकल पढ़ नहीं रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, उनको कुछ एजुकेशन के लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे दीन की भी और दुनिया की भी? ये उन्हें चाहिए कि उनके माँ बाप को ये चाहिए कि उन बच्चों को तमाम दुनियावी खुराफात से बचाकर और इल्म मकतब में जो उनके एडमिशन करा के और उन्हें तालीम हासिल कराए।
तो ताकि देश के भी काम आए और दुनिया अपने ऊपर की दुनिया भी बनाए। तो ये बहुत अच्छा लगा भाई साहब आपसे मिलके। ठीक है भाई, शुक्रिया दोस्तों। ये थी इन लोगों की राय और अब निकलते हैं, रात ज़्यादा हो गई है, चलते हैं मिलते हैं कहीं और आपको। वैसे बहुत अच्छे लोग हैं उन्नाव के, हमको लगे बहुत आसानी से जवाब दिए जो पूछा, बहुत सरल तरीके से जवाब दिए, बहुत बढ़िया आदमी लगे हमको सारे के सारे। शुक्रिया भाइयों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पर देख रहे हो तो शेयर भी करें, फॉलो करें। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।